पार्टी जिंदाबाद, हम साथ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ शुक्रिया शुक्रिया आप सबका। और आज से एक तवील सफर जो है 20 साल का आपके साथ जो है उसको एक नई दिशा मिली। ये रुका नहीं है बल्कि इसका दायरा जो है वो जम्मू कश्मीर की जो सियासत, इक्तिसादियात, समाजियात और बाकी मामलात है उस पर हम आपके साथ इंशाल्लाह बातचीत करते रहेंगे। लेकिन चूंकि जिस वक्त हम जर्नलिज्म में इन 20 सालों में एक नई पार्टी को कवर करते रहे और नई पार्टी के नजरियात जब हमने देखे उसमें शायद कल तक जिस पार्टी को इंतखाबात लड़ने से शायद डराया जाता था, और ये मुफ्ती साहब का फलसफा था कि जमात इस्लामी को इलेक्शन में आना चाहे उस वक्त भी इस वक्त भी, क्योंकि मुझे याद है एक जलसा चल रहा था तो मैंने पार्टी के तर्जुमान से बात की, मैंने कहा जमात इस्लामी का भी जलसा है, आपका भी, कहा जमहूरियत यही है और पीटीपी का एजेंडा यही है कि हम लोग अपनी बात रखें और जो लोग हमारे नजरियात से इख्तलाफ रखते हैं या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते हैं उनकी पोजिशन को खत्म नहीं किया जा सकता। मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूँ, चाहे वो श्रीनगर से हो, बड़गाम से हो, बांडीपोरा से हो, आप सभी दोस्तों का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया का, आपके साथ सीखने का बहुत मौका मिला, चाहे वो रेडियो कश्मीर हो, चाहे वो दूसरे इदारे हो, आपसे बहुत अच्छा मौका मिला। और आगे भी हमारा सफर यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि एक नई जहद के साथ जारी रहेगा। आज भी जम्मू कश्मीर में जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी हो तो मुझे लगता है कि इतनी पार्टियां हैं लेकिन जिस अंदाज से विभाग के साथ में मुफ्ती बात करती है और शायद यही कायल करने का शायद आखिरी रास्ता था। और मैं आज से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ा हूं, मुझे उम्मीद है कि जिस अंदाज से जिला बांडीपोरा को, मुझे याद है कि जब मैं अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में दाखिल हुआ मैंने पहला वजीर देखा वो उस वक्त भी पीडीपी के अलायंस थी इत्तेफाक के साथ और तब भी मिनिस्ट्री जो थी बांडीपोरा को दी गई। उसके बाद एमएलसी बनने थे तो दो नहीं तीन एमएलसी बने, उसके बाद वाइस चेयरमैन बनना था तो बांडीपोरा को मिला। हुकूमत में रहकर भी इस दफ्तर से पार्टी ने, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस अंदाज से बांडीपोरा को, सुंबल को, गुरेज को देखा, मुझे लगता है कि शायद हम ही पीछे रहे, हमने उतना नहीं दिया वापस में। लेकिन साल 2024 में हम कोशिश करेंगे कि हम बांडीपोरा से और तमाम तीनों निशस्तों से, जम्मू कश्मीर से, अब की बार बांडीपोरा को शायद वो सिला देंगे जिसकी शायद हमने अभी तक कोशिश नहीं की। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बल्कि खवातीन की अच्छी खासी तादाद है, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला बांडीपोरा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और श्रीनगर और बाकी अजला में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अदना सिपाही की हैसियत से आज हम इस काफिले में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने इस प्यार मोहब्बत के साथ, और शायद मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं शायद इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, सब कुछ अल्लाह ने बेहतर किया, आप सब लोगों का साथ रहा और आगे भी इंशाल्लाह हमारे और आपके दरवाजे जो है वो एक दूसरे के लिए खुले रहेंगे। मैं पार्टी सदर का, नायब सदर का और जिला सदर बांडीपोरा का, जनरल सेक्रेटरी का, जोनल सदर का और बांडीपोरा का, जो हमारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का यूनिट हेडक्वार्टर का, सुंबल का, गुरेज का, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब मिलकर महबूबा मुफ्ती के कदम और हौसलों को बेहतर करें। उन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया, इनका इस्तकबाल करती हूं और मुझे खुशी है कि इनकी आवाज में एक असर है और जो पीडीपी का एजेंडा है तो उसको आगे चलाने में, लोगों तक पहुंचाने में इनकी आवाज कारामद साबित होगी। मैं काफी सालों से इसको जानती हूँ, तब ये बड़ा छोटा था, अब बड़ा हो गया, बच्चे वाला हो गया है। जब मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया है तब से ही मैं इसको जानती हूँ, तो हमारे काफी जो आपस में मिलना जुलना बातचीत रही और पिछले 2-3 साल से इनके साथ बात हो रही थी, तो मैं समझती हूँ ज्यादा से ज्यादा इसी तरह जो लोग बाशूर हो, जो लोग गलत और सही में फर्क करना जानते हो और जिनके पास जरूरत हो, और एक अच्छा है इनका बैकग्राउंड जो है जर्नलिज्म से है, तो मैं कहती हूँ कि ये हमारी पार्टी में एक एसेट रहेंगे,
एक हमारी पार्टी को, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो हमारी पार्टी का नजरिया है, मुफ्ती साहब का नजरिया है, उसको लोगों तक पहुंचाने में, आगे बढ़ाने में मुझे लगता है बहुत कारामद साबित होंगे। और हमने आपस में जो मशवरा किया है, हमारी जो कमेटी भी है, इलेक्शन कमेटी भी है, तो हम चाहते हैं कि जवानों को हमने ज्यादा इस बार मैदान में उतारा, तो हम चाहते हैं बांडीपोरा से जो है सैयद तजुम्मुल साहब, अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत ख्यालात की जंग है, इसमें जेल में आप लोगों को डालो, उनको बंद कर दो, उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करो, उनके इंस्टीट्यूशन पे ताले लगा दो, उस जमात को बैन कर दो, ये गलत तरीका कार है। मैं तो कहती हूँ न सिर्फ उनको हिस्सा लेना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो उनपे बैन लगी है उसको भी हटाना चाहिए। शुक्रिया।